हेलो एवरीवन। सो गाइस फाइनली आईसीएसई ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम्स एंड पिछले मेरे वीडियोस के अकॉर्डिंग आप में से केवल 5 से 10% ऐसे लोग थे जिनकी कामना थी कि आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स हो और गाइस आपकी कामना पूरी हो चुकी है। बोर्ड एग्जाम्स अब कंडक्ट हो रहे हैं, आई डोंट नो किस कैसे हो पाएंगे, लेकिन हाँ 1st जुलाई से 14th जुलाई तक 10th और प्लस टू के बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे। गाइज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेट शीट जो स्टैंडर्ड 10th है आपके 2 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है, 2 को ज्योग्राफी का है, देन आपका 4th को जो है आर्ट का पेपर है एंड 6th को आपका मंडे को इलेक्टिव्स है मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पेपर है, उसके बाद 8 को हिंदी, 10 को बायोलॉजी एंड 12th को इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो गाइस मतलब एक एक छुट्टी उन्होंने हर एग्जाम में दी है अगर सभी बच्चों के ये सभी पेपर्स हैं तो, नहीं तो अकॉर्डिंगली आपको हॉलीडेज हैं। इसी के साथ जो प्लस टू की डेट शीट उन्होंने रिलीज की है वो ये है कि 1 जुलाई को पहले बायो का, 3 को बिजनेस स्टडीज, देन 5 को ज्योग्राफी, 7 को साइकोलॉजी, 9 को सोशियोलॉजी, 11th को होम साइंस, 13th को इलेक्टिव इंग्लिश एंड 14th को आर्ट 5 जो क्राफ्ट का पेपर है। गाइज आईसीएसई ने इसी के साथ साथ कुछ ना कुछ गाइडलाइंस भी डिस्कस की हैं, उनमें से एक जो मेजर गाइडलाइन है वो ये है कि आप सबको अपने ही हैंड सैनिटाइजर्स लेके आने हैं, अपने ही ग्लव्स पहन के आने, मास्क जो है वो भी पहनना है। ग्लव्स उन्होंने कहा है नेसेसरी नहीं है, आपकी मर्जी, अगर आप पहनना चाहते हो पहनो, लेकिन मास्क पहनना नेसेसरी है एंड अपना हैंड सैनिटाइजर खुद लेके आना है। इसी के साथ आईसीएसई की गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि आपको अपना जो सेंटर है उस पर वेल बिफोर टाइम पहुंचना है एंड उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी, ये सब तो आम बातें उन्होंने कही है, लेकिन जो मेजर बात है उन्होंने कही है वो यही है कि आपको हैंड सैनिटाइजर अपना खुद लेके आना है एंड साथ ही साथ आपके मुंह पे मास्क पहनना जरूरी है। और एक बात कही है कि 10:45 पे आपके एग्जाम्स में जो आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मी आपको वहां पे 10 बजे पहुंचे होना चाहिए। गाइस लेट कोशिश करना 10 बजे से लेट ना हो, क्योंकि पहली बार जब आपके जो भी पहला एग्जाम है आपका उसमें तो आपको मेरे अकॉर्डिंग 9:50 पे अपने सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए। बाकी गाइस अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत ट्राई किया था कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं जो रिमेनिंग एग्जाम्स के थे और आपको आपके जो पेपर्स ऑलरेडी हो चुके हैं उनके बेसिस पे पास किया जाए, हम सबको यही उम्मीद थी, काफी लोगों को उम्मीद थी, बट देन अब आईसीएसई जैसा कि सीबीएसई फॉलो कर रहा है उसी बेसिस पर चल रहा है। लेकिन एक बात कहूंगा, सीबीएसई सारे एग्जाम्स नहीं कंडक्ट कर रहा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की भी डेट शीट देखो तो उस डेट शीट में सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम सीबीएसई ने भी कंडक्ट नहीं किए, लेकिन आईसीएसई भाई अब क्या कह सकते हैं कंडक्ट कर रहा है, तो अब हमें इसी के साथ चलना पड़ेगा। गाइस इसके अगली वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, नो प्रॉब्लम, हम मिलके प्रिपरेशन करेंगे। गाइस मैंने कंप्यूटर के लिए आपके लिए ऑलरेडी 2 वीडियोस डाली हुई हैं, जिसमें एक वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं और दूसरे में गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एंड कुछ इंपॉर्टेंट 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में वो दोनों वीडियोस के लिंक्स हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हो एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा, कुछ ना कुछ हम करेंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको टोटली हेल्प करूंगा कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके, सभी सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करूंगा, ज्योग्राफी, बायो एंड कंप्यूटर में। हिंदी में नहीं कर सकता यार, क्योंकि मेरी खुद की हिंदी मेरे को इतने अच्छे से नहीं आती, मैंने हिंदी नहीं लिया था 10th में, तो फॉर हिंदी स्टूडेंट्स आई कांट हेल्प, बट ज्योग्राफी, कंप्यूटर एंड बायो के लिए मैं फुल हेल्प दूंगा। सो गाइस टिल माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।